हेलो फ्रेंड्स, पुर्तगीज कंपनी का मेडिविल पीरियड में भारत आगमन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो उनमें फैक्ट्स को मेमोराइज करना, इट्स ए वेरी टफ जॉब। और मैंने पिछले वर्षों के पेपर्स का पूर्ण अवलोकन किया और उनके आधार पर कुछ प्रश्न मैंने पुर्तगीज कंपनी से रिलेटेड देखे कि जिनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी बार बार है, और ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो FAQs के रूप में मैं आपके सामने ने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वो प्रश्न है जो निरंतर, चाहे वो UPPCS हो, MPPCS, BPSC, RO, ARO, वन डे एग्जाम, इवन UPSC में भी अधिकतर प्रश्न अगर पुर्तगीज कंपनी से फैक्ट के लिए आता है तो इन्हीं 11 पॉइंट्स में से आ जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते हैं, पूछने का जो वे है उसको ट्विस्ट कर देते हैं, बट जो उसका फैक्ट रहता है रिमेन अनचेंज। तो फ्रेंड्स, इसको आप एक बार देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है और डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट करेगा किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ध्यान रखना है कि पुर्तगीज कंपनी सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, और सबसे पहला जो पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा था। 1498 ईस्वी में वो भारत आया, और वो जो भारत आया तो वो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, आशा अंतरिक्ष जो था उससे चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा, और पूरे मार्ग का जो पथ प्रदर्शक था वो मनीफ, अब्दुल मनीफ नाम का एक गुजराती था। और ये जहाज जो आया वो कालीकट में आकर के रुका, कप्पक डाबू नामक स्थान पर, कप्पक डाबू नामक स्थान पर। और इस कालीकट राज्य का जो शासक था वो जमोरिन था, और जमोरिन एक प्रकार की पदवी है जो कालीकट के शासक धारण करते थे। और वास्को डिगामा इसके पश्चात भारत से बहुत सारी व्यापारिक वस्तुएं, जिनमें विशेषकर मसाले थे, लेकर वापस चला गया, और उसे 60 गुना लाभ हुआ। और इसलिए वो 1502 ईस्वी में भारत फिर वापस लौटा, और इस बार उसने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। ये भारत में पुर्तगीज द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी जो कि कोचीन में स्थापित हुई थी। आगे दूसरी पुर्तगीज फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित हुई। सेकंड पुर्तगाली जो था, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली नागरिक था, वो पेड्रो अल्वारेस क्रैवल था, और ये 1500 ईस्वी में भारत आया था। भारत में जो फ्रांस पुर्तगीज राज था या साम्राज्य था, उसका जो पहला गवर्नर था 1505 ईस्वी में अपॉइंट हुआ था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा, और ये 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। और इसकी जो भारत में सामुद्रिक नीति थी उसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर बना उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो गवर्नर है ये वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था, और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। हालांकि नीनो डी कुन्हा जब पुर्तगीज से गवर्नर था 1530 ईस्वी में, तो कोचीन को विस्थापित करके गोवा को पुर्तगीज कंपनी का मुख्यालय बना दिया गया, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत में पुर्तगीज कंपनी के विस्तार में, उसकी शक्ति और साम्राज्य की स्थापना में। और 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह नामक का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ है उसको पराजित कर दिया, और गोवा की विजय की, और गोवा पर पुर्तगीज के अधिकार के फलस्वरूप पुर्तगीज शक्ति में और भी वृद्धि हुई। और चूंकि गोवा के माध्यम से जो घोड़ों का व्यापार होता था वो, उस पर नियंत्रण जो है पुर्तगालियों को हो गया, और इसका लाभ उन्हें बहुत अधिक मिला। 1511 ईस्वी में पुर्तगीज कंपनी ने मलक्का, और 1515 ईस्वी में हारमूज पर विजय प्राप्त कर ली। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी, और इसके फलस्वरूप पूरे हिंद महासागर और अरब सागर पर पुर्तगीज शक्ति का विस्तार हो गया, और पुर्तगीज जो है भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन करके उभर करके सामने आए। फिर नेक्स्ट हम अगर देखें पुर्तगीज से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आता है कि एस्टादो दा इंडिया,
एस्तादोद इंडिया जो है ये पुर्तगीज सामुद्रिक साम्राज्य को कहते हैं, और कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था जो थी ये पुर्तगीज व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। कार्टेज एक प्रकार का परमिट होता था जो कि पुर्तगीज कंपनी प्रदान करती थी। आर्मिडा पुर्तगीज का जो नौसेना बल था उसकी शक्ति को रिफ्लेक्ट करता है, को निर्देशित करता है, यानी जिन कंपनी जो व्यापारी कार्टेज पुर्तगीज कंपनी से प्राप्त कर लेते थे उन्हें आर्मिडा की शक्ति द्वारा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाती थी, और इस प्रकार से ये व्यापार जो है हिंद महासागर और अरब सागर में संचालित होता था। और अगर हम पुर्तगीज के योगदान की बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगीज की देन है, तंबाकू की खेती भारत ने पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ की, और नेक्स्ट जो है बम्बई की जो बम्बई में का जो शहर था उसको अंग्रेज़ों को पुर्तगीज ने दहेज में दान में दे दिया था, और पुर्तगीज भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये FAQs अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।